बारिश का कहर पूरे उत्तराखंड में जमकर बरसा है और इस कहर ने मुसीबतों को काफी ज्यादा बढ़ाने का काम किया है। कई तरह की मुसीबतों का सामना जनता को करना पड़ा है। ऐसी ही कुछ मुसीबतों की खबरें सामने आई हैं, जिनमें पहली खबर उधम सिंह नगर से आ रही है, जहां सुल्तानपुर पट्टी के पास 11 तारीख की शाम कोसी नदी पुल पर खतरे के निशान तक पानी आने पर बरेली से काशीपुर जा रही ट्रेन को बाजपुर स्टेशन पर रोक दिया गया। काशीपुर जाने वाले करीब 65 यात्रियों को एक बस और दो कारों से काशीपुर रेलवे स्टेशन पर छोड़ा गया। बता दें कि कोसी नदी रेलवे पुल पर बने 9 पिलरों में से 7 नंबर के पिलर की पिचिंग बह गई, जिस कारण ट्रेन को बाजपुर स्टेशन पर रोका गया। ये ट्रेन आज सुबह 6:10 पर कासगंज रवाना होनी थी। इधर इज्जत नगर रेलवे मंडल के जनसंपर्क अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि रेलगाड़ी को फिलहाल बाजपुर स्टेशन पर रोका गया है। वहीं सूचना पर रेलवे अधिकारियों ने कोसी नदी रेलवे पुल का मुआयना किया है। मौके पर अवर अभियंता जयदीप लाल, सुबोध कुमार और अखिलेश कुमार मौजूद रहे। वहीं दूसरी खबर सामने आई है चंपावत जिले से, जहां टनकपुर घाट राष्ट्रीय राजमार्ग कई दिनों से बंद होने के बाद अब चौथे दिन छोटे वाहनों के लिए खुल गया है। बता दें कि भारी बारिश के कारण मलबा आने से मार्ग बंद हो गया था, जिससे लोगों को काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब इस दिक्कत से निजात मिल जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण खंड के सहायक अभियंता NC पांडे ने बताया कि कार्यदायी संस्थाओं की ओर से लगातार मलबा हटाने का कार्य किया जा रहा है। मौजूदा समय में मार्ग को टनकपुर से घाट तक छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। इसके अलावा बारिश के कारण धौन, स्वाला, बजौन और अमोड़ी क्षेत्र में अदरक, गडेरी, प्याज और लहसुन समेत अन्य फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रभावित काश्तकारों ने जिला प्रशासन से सहायता देने की मांग की है। जिला उद्यान अधिकारी TN पांडे और मुख्य कृषि अधिकारी गोपाल सिंह भंडारी ने बताया कि बारिश से नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। वहीं एक तीसरी खबर सामने आई है चमोली जनपद से। यहां के थराली में बहने वाली पिंडर नदी का पानी काफी मटमैला आ रहा है। ये दिक्कत बीते 3 से 4 महीनों से चल रही है। बता दें कि ये नदी पिंडारी ग्लेशियर से आती है, जिसका पानी इन दिनों काफी मटमैला आ रहा है। देवाल के पूर्व प्रमुख DD कुनियाल का कहना है कि भूस्खलन या फिर निर्माण कार्य होने की वजह से नदी का पानी गंदा हो रहा है। ऐसे में उन्होंने सरकार से इस मामले की विस्तृत जांच किए जाने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि इस समस्या से जलीय जीवों को नुकसान पहुंच रहा है, उसके साथ ही क्षेत्रीय जनता भी इस परेशानी से जूझ रही है। इस पानी का किसी भी जगह उपयोग नहीं किया जा रहा और ऐसे में सरकार को इस विषय में ध्यान देने का आग्रह किया गया है, जिससे इसका कारण पता चल सके और इसकी रोकथाम के लिए कुछ किया जा सके।